ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली इलाके में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री पूनम भगत की पुत्रवधु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली कि देवतान मोहल्ले में एक नवा विवाहिता की ने फांसी लगा ली है, जिसके बाद सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, मगर उससे पहले ही परिजन महिला को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया और नवविवाहिता की मौत से आक्रोशित परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया और विवाहिता की मौत से आक्रोशित परिजनों ने ससुराल वालों के घर में तोड़फोड़ कर डाली और पूनम भगत के पुत्र को भीड़ ने बेरहमी से पीट दिया। वहीं मौके पर भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिए, लगभग 4 बजे करीब में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लड़की ने सुसाइड किया है। इस सूचना ये चूँकि ज्वालापुर के देवतान मोहल्ले का मामला था, तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। लड़की के परिजन पहले ही भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे और उन लोगों ने उस लड़की के बॉडी को, जो पीड़िता थी, उनको उतार लिया था। उतार के तत्काल उनको मैक्सवेल अस्पताल भेजा गया। अभी यहाँ पर डॉक्टरों ने लड़की को मृत घोषित किया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई है, तो अभी हम GD अस्पताल भेज रहे हैं। अग्रिम कार्रवाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर और तहरीर मिलने पर की जाएगी। अभी चूँकि सारी चीज़ें, अभी घटनास्थल का निरीक्षण और अन्य चीज़ें शेष हैं, हमारी टीम वहाँ पर लगातार काम कर रही है। हमने जो हमारी फॉरेंसिक टीम है उसको भी मौके पर बुलाया है। अभी पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद और तहरीर मिलने के बाद ही कोई अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने, चूँकि लड़की के परिजन पहले ही घटनास्थल पर पहुँच गए थे और उनके द्वारा ये बताया गया कि जब उन्होंने दरवाज़ा खोल करके अंदर देखा तो लड़की पंखे से लटकी पड़ी थी। उस समय संभवतः उनकी सांस हल्की फुल्की चल रही थी, इसीलिए तत्काल वहां से पुलिस भी पहुंच गई थी तो भेज दिया था अस्पताल को। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भगवानपुर के कुंजा बहादुरपुर पहुंचकर राजा विजय सिंह के चित्र पर फूलमाला चढ़ाकर सरकार के खिलाफ पदयात्रा शुरू की और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि केंद्र की सरकार जिस तरह से किसानों के ऊपर 3 काले बिलों को थोपने का काम कर रही है, किसानों के हित में उनको वापस लेना बहुत ज़रूरी है। और हरीश रावत ने कहा कि किसानों का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने अभी तक किसानों के गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया है, जो सरकार किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। यात्रा प्रारंभ करके ये संदेश दिया है कि किसानों के लिए जो संघर्ष करेंगे, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। झूठ बोलते हैं, आज उस झूठ का भी हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। 200 करोड़ से ज़्यादा किसानों का बकाया है चीनी मिल पर, जो है, तो जो सतत किसान की अवहेलना हो रही है, उसकी अवमानना हो रही है, उसके खिलाफ भी हमारी ये पदयात्रा है। मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के द्वारा, उनके नेतृत्व में, हमारे किसान कांग्रेस के नेतृत्व में, शीर्ष हमारे नेताओं के आह्वान पर, माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर किसानों के समर्थन में ये पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ यहाँ पर शहीद राजा विजय सिंह के गांव, वीरों की भूमि, वीर भूमि, शहीदों की भूमि, शहीद राजा विजय सिंह के गांव कुंजा बहादुरपुर से, विजय सिंह पार्क से किया गया है। ये लड़ाई किसानों की लड़ाई है और कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। ये 3 काले कानून, कृषि विरोधी, किसान विरोधी जो काले कानून मोदी सरकार जबरदस्ती थोपना चाहती है किसानों पर, जब तक ये वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैदान में है, उनको न्याय दिलाकर ही रहेगी। टिहरी में विकासखंड जाखीधार के ग्राम पंचायत सिमंडी धार के प्रांगण में QRT कैंप का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक रोहेला की अध्यक्षता में संपन्न किया गया, जिसमें QRT कैंप ने पूर्ति विभाग, स्वास्थ्य, बाल विकास, कृषि, पशुपालन, आजीविका, पंचायत राज, उद्यान आदि विभागों ने स्टॉल लगाकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और इस अवसर पर पूर्ति विभाग द्वारा 18 PVC राशन कार्डों को भी वितरित किया गया। QRT कैंप में कुल 72 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 19 शिकायतों का समाधान किया गया और बाकी शिकायतों को 15 दिन के भीतर ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में कुंभ मेले में आने वाले साधु संतों का भव्य स्वागत किया जाएगा और सभी अखाड़ों द्वारा भी साधु संतों के स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही निरंजनी अखाड़े द्वारा रमता पंच और सभी साधु संतों के भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं, जहां पर अखाड़े के
रमता पंच और संत निवास करेंगे। उस स्थान को भव्य रूप से सजाया गया है और साधु संतों के लिए धुना लगाया गया है, क्योंकि साधु संत द्वारा सदियों से धुना लगाने की परंपरा चली आ रही है। छावनी जो है, छावनी में तो सजावट भी हुई है और उसमें धुना आज सब लगाया गया कि जो हमारे महात्मा संत महात्मा है सबको अपने अपने धुने होने चाहिए। वो धुना रमाएंगे और अपना भभूति लगाएंगे, उसके लिए भी धुने आज सब बनाए गए हैं। आपने देख लिया, सब धुने यहाँ बने हुए हैं, मंदिर बना हुआ, पंडाल बने हुए हैं और जो भी व्यवस्था हमसे हुई है वो सब इस छावनी में हमने कर रखी है। उसका पूरा आगाज हो गया है, सभी नागा हरिद्वार में आने शुरू हुए है। और हमारा ये कहना है कि अभी जैसे आज से नागा आने शुरू हुई है, ये नागा जो है 7 मार्च तक यहाँ आएंगे और उसके बाद हम यहाँ से अपना जुलूस पेशवाई के रूप में मायापुर लेके जाएंगे। देखिए, ये तो हमारी पेशवाई है और हमें पेशवाई यहाँ से निकालनी है और 12 साल में तो एक बार ये मौका मिलता है हमको, इसलिए हम पूरा प्रयास करते हैं कि यहाँ की जितना भी हमसे हो सके उतना इसको सजाया जाए और जो भी हमसे हो सके उतना जितना करें उतना भी कम ही है। काशीपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने छावनी चिल्ड्रन एकेडमी में आयोजित भारोत्तोलन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और शुभारंभ करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसते हुए प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। बाबा साहब निर्देश हुआ कि मैं भी इस समारोह में उपस्थित हूँ। मैं आया हूँ अपने खिलाड़ी साथियों के हौसला अफजाई के लिए और जो हमारे एसोसिएशन के सभी साथी उनके साथ जो है मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का हम सब प्रयास कर। कुंभ की तैयारियों को लेकर हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी है, क्या कहना है? देखिए, ये सरकार तो कुंभ को जो है गंभीरता से नहीं ले, जिस तरीके से COVID-19 की गाइडलाइन देकर के कुंभ की अवधि को कम करने का काम किया है, निश्चित रूप से हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि कुंभ 12 वर्ष में होने वाला पर्व है जो हमारी धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है, जो देश का नहीं बल्कि दुनिया का जो है एक ऐसा समागम है जिसमें लाखों लोग जो है समझने का काम करते हैं। COVID-19 गाइडलाइन देकर के केंद्र सरकार का अवधि क्या नाम उसमें इसकी अवधि कम करने का काम किया और फिर राज्य सरकार ने और कैंची चला करके अवधि को बहुत सीमित करने का। टिहरी में अपराधों पर नकेल कसने और जनता के साथ सशक्त संवाद स्थापित करने के लिए SSP तृप्ति भट्ट ने अमेजॉन आमजन के लिए हेलो टिहरी मैसेंजर प्लेटफॉर्म के तहत मोबाइल नंबर जारी किया है, जिस पर सभी प्रकार के अपराधों शिकायतों की सूचना दी जा सकेगी। साथ ही तृप्ति भट्ट ने कहा कि वर्तमान समय को देखते हुए टिहरी पुलिस द्वारा मोबाइल नंबर जारी किया गया जिस पर सभी प्रकार के मैसेजिंग ऐप संचालित किए जाएंगे और इन पर प्राप्त शिकायतों सूचनाओं की हर समय मॉनिटरिंग की जाएगी। फिर चाहे वो यातायात, नशे की तस्करी या अवैध शराब की बिक्री, महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाली घटनाओं की ही सूचना क्यों ना हो। हाल में हमारे द्वारा जनता के साथ एक सशक्त संवाद स्थापित करने के लिए हेलो टिहरी नाम की एक सेवा का शुभारंभ किया गया है, जिसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सिग्नल के माध्यम से जनता अपनी शिकायतें, महिला संबंधी अपराध, एंटी ड्रग्स कैंपेन में किसी प्रकार की अवैध ड्रग्स की तस्करी या शराब संबंधी कोई सूचना अगर गोपनीय रूप से देना चाहे, इसके अलावा यातायात उल्लंघन के अगर फोटोज या वीडियोस शेयर करना चाहे, जो भी शिकायत, सुझाव या समस्या जनता सीधे पुलिस तक पहुंचाना चाहे वो इस नंबर के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। और इसके माध्यम से हमें पूरी उम्मीद है कि महिला संबंधी अपराधों में यातायात, सड़क सुरक्षा और विशेष रूप से ड्रग्स के खिलाफ जो पुलिस का अभियान है उसको काफ़ी मजबूती मिलेगी। अब मैम, अब 4 धाम यात्रा भी अब कुछ टाइम बाद शुरू हो जाएगी, उसमें कितना कारगर ये साबित होगा और क्या आगे की प्लानिंग है? जनपद टिहरी गढ़वाल में 4 धाम यात्रा मार्ग के साथ साथ जो मुनि की रीति क्षेत्र में पर्यटकों का काफ़ी भारी संख्या में आवागमन गर्मियों के मौसम में होता है, हमें पूरी उम्मीद है कि इससे कहीं ना कहीं पर्यटकों को भी लाभ प्राप्त होगा और विशेष रूप से जो जन सामान्य है जो अपनी छोटी मोटी समस्या सीधे पुलिस तक पहुँचाना चाहते हैं उसके लिए नंबर काफ़ी प्रभावी सिद्ध होगा। नई खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।